ये स्किन व्हाइटनिंग सिर्फ एक टैग है जो कि मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है और इससे चीजें काफी जल्दी से सेल आउट होती हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एथिग्लो फेस वॉश के बारे में। मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी इसे यूज करने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये बाय किया था एथिग्लो, जो कि मैंने अमेजोन से बाय किया था। ये लगभग आपको 250 रुपीज में मिलता है एंड नियर अबाउट ये 70 ml में आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके की ट्यूब साइज बॉटल में इसे हाफ अमाउंट में मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसी वजह से मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। ये काफी ज्यादा फेमस है अपने क्लेम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फेस वॉश है जिसमें मेंशन हो रखा है कि ये एक स्किन व्हाइटनिंग फेस वॉश है एंड साथ ही साथ ये फॉर्मिंग फॉर्म में आता है। अगर आउटर पैकेज की बात करें तो वहाँ पे 3 क्लेम सीधे मेंशन करें कि ये आपकी स्किन में डीप क्लींजिंग करता है, स्किन व्हाइटनिंग के लिए काफी अच्छा फेस वॉश है एंड जो 3rd क्लेम है इनका वो है फेशियल फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो फॉर्मिंग जो इस तरीके की फॉर्म बेस्ड जो भी क्लेंजर होते हैं, जो कि फेस वॉश होते हैं, वो अच्छे से आपके जो पोर्स हैं उनको क्लीन करते हैं, यानी डीप क्लेंजिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है जो भी फॉर्म में आते हैं इस तरीके के क्लेंजर। तो अगर मैं इसके क्लेम की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका क्रीमी फॉर्म में आता है, डीप क्लेंजिंग करता है, जैसे मैंने बताया ये ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके लाइटन करता है स्किन टोन को, साथ ही इसमें बोला है कि ये इंस्टेंट रिफ्रेश करता है, पॉल्यूशन फ्री फेस वॉश है, एंटी एक्ने एक्शन है, कंट्रोल करता है ऑयल को और स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट है। तो यस, ये आपको इंस्टेंट रिफ्रेश करता है, पॉल्यूशन फ्री कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन, तो यस ये करता है, लेकिन एंटी एक्ने एक्शन नहीं करता और स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग ये मेरे तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये इतना फेमस है और आगे हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के भी बारे में कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मेंशन है कि इसके अंदर काफी अच्छे और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको स्किन व्हाइटनिंग में, स्किन को क्लियर करने में काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, अगर वो सिर्फ एक अकेले फॉर्मूला यूज होते हैं तो। जैसे कि आपका कोजिक एसिड है, कोजिक एसिड काफी अच्छा काम करता है स्किन पे, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। विटामिन सी है इसके अंदर, लिकोरिस है, निकोटिनामाइड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है और ऐसे ही कितनी चीजें हैं जो कि इसमें क्लेम करी है कि ये फेस वॉश के अंदर डाली गई है, इसी वजह से इसे एक स्किन व्हाइटनिंग फेस वॉश बोला गया है। तो इंग्रेडिएंट्स में ये तो चीज है जो कि मेजरली टारगेट की जा रही है, लेकिन शायद ही कुछ लोग चेक करते हैं प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो मैं यहाँ लगा दूंगी या यहाँ लगा दूंगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे SLS भी है, प्रिजर्वेटिव भी है और परफ्यूम भी एड किया गया है, तो कहीं ना कहीं जहां आपको ये सारे इंग्रेडिएंट बताए गए हैं वो तो इसके अंदर है, लेकिन साथ ही साथ ये केमिकल भी है जो कि आपके स्किन में पेनिट्रेट होते हैं और आपकी स्किन इससे इरिटेट हो सकती है, रेडनेस आ सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इसके साथ आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रिजर्वेटिव वगैरह ये अवॉइड करके सिर्फ आप इंग्रेडिएंट पे टारगेट करके फेस वॉश लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए या एक्ने जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है उनको इन सारी चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा इस फेस वॉश को खरीदने से पहले। तो अब हम बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो देखिए, मैंने इसे हाफ यूज किया था, उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को इसे दे दिया क्योंकि उनकी है नॉर्मल स्किन और मेरी है जैसे आपको पता है एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है, ब्रेकआउट काफी जल्दी होते हैं और इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है SLS है, प्रिजर्वेटिव है, उसने कहीं ना कहीं मेरी स्किन इरिटेट करी थी और मुझे थोड़े बहुत एक्ने आ गए थे। और कहीं ना कहीं जहां तक डीप क्लींजिंग की बात है तो यस, ये डीप क्लींजिंग करता है, जब आप फेस को वॉश करते हो ये काफी अच्छे से वॉश कर देता है, नेसेसरी ऑयल क्लियर कर देता है, ड्राइनेस इतनी मुझे फील नहीं हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही फेस को क्लियर करता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं होते, फ्रेग्रेंस नहीं होती या SLS नहीं होता तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट होता, काफी अच्छा फेस वॉश होता, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया है, फ्रेग्रेंस भी काफी हाई लगती है मुझे इसे यूज करने को। जैसा कि आपको पता है मैं AHA ग्लो यूज करती हूँ एज अ फेस वॉश और वो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देता है, अगर अमाउंट के हिसाब से बोलेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो इतना आपको कोई इम्पैक्टफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कई स्टडीज में ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और मैं भी इस बारे में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी फेस वॉश आपके स्किन को लाइटन या फिर पिगमेंटेशन या फिर इस तरीके के प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकता है। रीजन ये है कि आप उसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए यूज करते हैं एंड देन उसके बाद आप रिमूव कर देते हैं, यानी वो आपके स्किन पर नहीं रहता है,
और जब तक कोई भी इंग्रेडिएंट स्किन पर नहीं रहता है कम से कम 15 मिनट से हाफ एन आवर डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज में, तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो इसी तरीके से फेस वॉश है, सिर्फ और सिर्फ होता है क्लेंजर के लिए, एक अच्छे हल्की फुल्की पीलिंग करे, जैसे मेरा AHAS ग्लो है वो पीलिंग करता है आपका डेड स्किन को, लेयर को रिमूव करे। तो इस तरीके का पर्पस जो है वो क्लेंजर से कंप्लीट होता है। मुझे नहीं लगता ये स्किन व्हाइटनिंग में हेल्पफुल है, मेरे लिए तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा भी इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे हल्के फुल्के ब्रेकआउट इसको यूज करने के बाद फील हुआ है, तो मैंने इसे स्टॉप कर दिया था हाफ ट्यूब यूज करने के बाद। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि एथिग्लो फेस वॉश है वो कैसा रिजल्ट देता है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट आते हैं और कैसा इम्पैक्ट देता है आफ्टर यूज। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।